अरे ऊपर वाली के चक्कर में लइका खूब पिटाइल बा, हर लड़की के हौ पहला प्रेमी पुलिस लेके आइल बा। ऊपर वाली के चक्कर में लइका खूब पिटाइल बा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग से रिलेटेड ढेर सारा जानकारी चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में हमेशा से लेकर आते रहे हैं। तो दोस्तों आज हम जो है भोजपुरी लोकगीतों से रिलेटेड और भोजपुरी का जो मार्केट है और आज का जो लीगल मार्केट है और तमाम तरह के सिंगर जो भटक जाते हैं अश्लीलता से लेकर, कुछ चीज़ें हम आप लोगों के बीच में ऐसा मैटर लेकर आए हैं कि जिससे आप कुछ सीख पाओगे और बहुत कुछ जानकारी आप इस वीडियो से हासिल कर सकते हैं। जैसे आपने अभी शुरुआत में देखा मनोज सर को, मनोज तिवारी जी यानी कि मृदुल जी से सीखने के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा अवसर हैं उन सब चीज़ों को अस्पष्टता से आप लोगों के बीच में रखा जाएगा इस वीडियो में। आप बने रहें बीसीटी पर, अगर आपके पास समय है तो पूरा वीडियो वॉच करिएगा, नहीं तो अभी भी आप बाहर जा सकते हैं। और ये वीडियो जो है किसी प्रकार का किसी मनोरंजन के लिए नहीं है, हम स्पष्ट करते हैं ढेर सारी उन बातों को लेकर आते हैं आप लोगों के बीच में जिससे आप बहुत दूर होते हैं, कभी उन सब विषयों पर सोचा ही नहीं। यानी कि जो लीगल चीज़ है लोग भटकते चले जाते हैं, कभी फोकस करते ही नहीं है, कोई बताने वाला होता ही नहीं है कि आप गलत क्या कर रहे हो, आपको करना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए अगर मार्केट में परमानेंटली काम करना है। तो हम उन सब विषयों को इकट्ठा करके इस वीडियो में आपको कुछ अपने नॉलेज या तजुर्बे के हिसाब से आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे और इतना कोशिश करेंगे कि आप भविष्य में कोई अच्छा काम कर पाएँ। अब जैसे अभी तक आपने हम थोड़ा थोड़ा करके मनोज तिवारी जी को सुनाया, अब पूरब का बेटा जो पहला एल्बम, पूरब का बेटा पहला एल्बम मनोज तिवारी जी का मार्केट में आया, जो मैं गीत प्ले करके आपको सुनाता हूँ, ये सुनिए। ऊपर वाले के चक्कर में लइका खूब पिटाहिल बा, लड़की के हो पहला प्रेमी पुलिस लेके आइल बा। ऊपर वाली के चक्कर में लइका को पिटाइल बा, लड़की के हो पहला प्रेमी पुलिस लेके आइल बा। लइका रोवत बाटे जाके बाजार में, झूठे हम फंस गईली गोरी के प्यार में, कहे के कहीं आई लव यू समरिया, पुलिस उखाड़ी अब हमारी बवरिया। मनोज तिवारी का पूरब का बेटा, यानी कि उससे पहले बहुत से गाने गाए थे मनोज तिवारी, और आप देखोगे इंटरनेट पे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा बहुत ढेर सारे गाने इन्होंने गाए। लेकिन जब एक एक करके बढ़िया मैटर को इकट्ठा करके जब एक एल्बम रिलीज़ होता है टी सीरीज़ के माध्यम से पूरब का बेटा, और पूरे भारत में छा जाता है, भोजपुरी का एक नया जो है मार्केट उभर कर आ जाता है लोगों के बीच में, लोग सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं। अब गौर फरमाइएगा, मतलब ध्यान दीजिएगा, बहुत टॉपिकल मैटर है, इसको हम जो है एक एक करके बारीकी से आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि आप जो है सुने समझे और सुधार करें अपने आप में। आज का जो मैटर खास करके है कि सिंगर जो है आज के भोजपुरी के सिंगर आप देखते होंगे एक ही चीज़ लेकर आ रहे हैं, बस अश्लीलता, कुछ भी हो जाए कुछ भी कह लें, लेकिन कुछ शब्द ऐसी होती हैं उसमें कि मतलब वो बता ही देता कि हम भोजपुरी हैं, हमारा नेचर ये है, हमारा कैरेक्टर ये है और हम गाते ऐसा हैं। दोस्तों किसी चीज़ का, किसी भी मैटर का आप प्रेजेंट करते हैं भोजपुरी लोकगीतों में सिंगर बतौर सिंगर, तो उस गाने के थीम के हिसाब से, मान लिया वो हिट हो गया, सुपर हिट हो गया,
बहुत चल गया मार्केट में, तो उसी हिसाब से आपका कैरेक्टर भी निर्मित होता है लोगों के बीच में। आपका जो गाना होता है, जिस हिसाब से आप गाते हैं, उसी हिसाब से आपका मार्केट वैल्यू भी बनता है। मतलब जो आपका थीम होता है, जिस हिसाब से चाहे बढ़िया गाना गाए तो बढ़िया बढ़िया तरीके से आपका जो कैरेक्टर क्रेडिट है बनेगा पब्लिक के बीच में। अगर भद्दा गाना गाते हैं तो भद्दा कैरेक्टर और क्रेडिट आपका बनेगा लोगों के बीच में, और उसी से आपको पहचान मिलेगी। यानी कि आप अच्छा गाते हैं तो अच्छे इंसान और अच्छा कैरेक्टर के हिसाब से आपको लोग जानेंगे, उसका ज़बरदस्त रिस्पॉन्स होगा, जैसे कि मनोज तिवारी। और अगर आप गलत गाते हो तो गलत गाने वाले तो बहुत से सिंगर हैं और हिट भी हुए, खूब दबा के चले, लोग बजाए भी, लेकिन उनका स्थान बस उसी जगह तक सीमित था जहाँ तक उन्होंने लेकर आए। अब मनोज तिवारी जी को मैं इसलिए लेकर आया कि और एक गाना और भी सुनाता हूँ, जैसे उस समय 2002 ये गाना सुनिए, देखिए 2002 के बाद और इसके बाद का भी हम सुनाएंगे। जैसे 2000 उस टाइम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस माहौल के हिसाब से चलिए, जिस हिसाब से ये गाते थे ऐसा गाइए, लेकिन जो समय था, जिस हिसाब से वो मार्केट था, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कितना परफेक्ट उस समय के हिसाब से था ये गाना। लेकिन आज का जो मार्केट है वो भी दिखाएंगे, अभी इसको सुनिए तो दिखाते हैं उसको। चाल चले ली मत वाली बगल वाली जान मार ली, बगल वाली जान मार ली, कनवा में सोभे वाली चूड़ा पे लगा के जाली, कनवा में सोभे वाली चूड़ा पे लगौली जाली, कनवा में सोभे वाली चूड़ा पे लगा के जाली, चाल चले ली मत वाली बगल वाली जान मार ली, बगल वाली जान मार ली, गोरे गोरे काल जैसे फुलवा गुलाब के, अखिया में नशा जैसे इंग्लिश सरा। अब ये आपने सुना, पीछे बोर्ड में देखा भी कि 2002 का गाना है, और उस टाइम के हिसाब से इन्होंने कितना बढ़िया से गाया, लोगों ने प्यार दिया, एक क्रेडिट बना, कैरेक्टर बना, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के बतौर सांसद, और एक अच्छा थीम बन गया इनका, एक अच्छा फेस बन गया भोजपुरी लोकगीतों में। और वहीं तक सीमित नहीं रहे, अब एक गाना और सुनाता हूं आपको, जिनका पहला फिल्म रहा है इनका और बहुत धूमधाम से चला था, बहुत जबरदस्त चला था, ये सुनिए फिर बात करते हैं। अच्छा सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के, सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के, सोते न संघवा खटिया पर, सोते न संघवा खटिया पर, सजिया सजाई के, सैया जी बापरे विपत है
हो दादा कबोटोया बेटा ऐसे कबोटोया बे पाए से कबो पजिया बे पाए से कबो पजिया बे पाए से। कैसा लगा ये गाना? जैसे कि मैं फोकस कर रहा हूँ, मतलब कि उन सब चीज़ों को लेकर आ रहा हूँ कि जिससे एक गंभीरता हो जाता है लोगों के बीच में, आपके प्रति गंभीर तरीके से सोचने लगते हैं, आपको इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं और भविष्य में आप उसका बढ़िया फ़ायदा पा सकते हैं हर प्रकार से। और कुछ लोग जो थे, मतलब कुछ भी आए गा लो, कुछ भी मिले खा लो, कहीं से कुछ भी करते चले जाओ, तो उनका उसी हिसाब से मार्केट बनता गया। और तमाम तरह के जो है गाने हैं और तमाम तरह के प्लेटफॉर्म हैं भोजपुरी में कि अगर आप चाहो तो अश्लीलता से दूर बढ़िया मैटर, बढ़िया थीम चुनकर बढ़िया ज़बरदस्त गाने गाओ, पब्लिक सुनेगी, बढ़िया प्यार देगा, बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, मार्केट में भविष्य में अच्छा काम कर पाओगे। बहुत से लोगों का मैंने सुना है इंटरव्यू, हमारे भी चैनल पे लोग इंटरव्यू देते, कहते हैं यार पब्लिक सुनती है तो मैं गाता हूँ। हम भी कह देते हैं हाँ पब्लिक सुनती है तो गाते हैं, लोग क्या करें। लेकिन जब आप गाओगे और कुछ अच्छा गा के दोगे तो पब्लिक अच्छा ही सुनेगी ना। ये नहीं कहते कि कोई कहता ही नहीं कि हमारे मानसिक दिमाग में जो गोबर भरा है उसको मैं कैसे परिवर्तित करूँ। इसके अपना बहिया में लेला करार देदा, हमरे दिल में बसंती बहार देदा, मन चमन में मोहब्बत के रंगत रहे, अतना जिंदगी में हमरा तू प्यार देदा। मन करेला कि तोहरे के देखत रही, सामने बैठा तू हम निरेखत रही, बट बिंदिया जैसे जो हम आप बनाते हैं, जो मार्केट बनाएंगे भविष्य में, उसी पे जो आने वाला सिंगर होगा वो भी चलेगा। और जो हमारे आपके बीच के भाई बहन होते हैं, दोस्त होते हैं सुनने वाले, वो उसी चीज़ को सुनेंगे और अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आज दक्षिण की फिल्में कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पंजाब हरियाणवी ये सब गाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए, भोजपुरी कहाँ का कहाँ रह गया है, अभी भी है। कुछ लोग मेहनत करते हैं अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, जो तमाम सिंगर हैं अपने, खेसारी भाई साहब, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव जी ने तो बहुत बढ़िया अच्छा काम किया। और जैसे जब ससुरा बड़ा पैसा वाला आया मनोज तिवारी जी का, तो एक तरह से एक बढ़िया शुद्ध वातावरण क्रिएट हुआ भोजपुरी का, मतलब फिर से भोजपुरी खड़ा हो गया मार्केट में, एक मार्केट क्लियर हो गया, बन गया, लोग जो है देखने लगे, सुनने लगे भोजपुरी को, थिएटरों में चलने लगा। लेकिन धीरे 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 करके हमारे कुछ नए सिंगर जो सोचते हैं कि मतलब अगर हम ऐसा गाना गाएंगे तो पॉपुलर हो जाएंगे, वो गलत सोचते हैं। पॉपुलर तो हो जाते हैं, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि मतलब उनको वही चीज़ मिलेगा, मतलब उसी हिसाब से उनको मार्केट में जगह मिलेगा कि जिस हिसाब से वो गाते हैं, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप कहीं चले भी जाओ अगर ऐसे गाने गा के, तो लोग आपको ढंग से आपका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, सामने खड़े होकर गाली दे देते हैं, नहीं तो आप वहाँ से आके तुरंत गाली लो। क्यों करना ऐसा काम, क्यों ना ऐसा काम करें कि भविष्य में हम लोगों के बीच में सर और सीना तान के खड़े हो जाएं, हाँ हम हैं, हम थे। तो सिंगर लोग भटक जाते हैं, अपने नए सिंगर जो होते हैं कुछ जानकारियों के अभाव में गलत कदम उठा लेते हैं, क्योंकि उनको बताने वाला भी नहीं होते हैं लोग, वो सोचते हैं कि अगर हम ऐसा गाएंगे तो इस हिसाब से, कहते हैं इनका वायरल हो गया, मिलियन व्यू तो मिलियन में जाते हैं, चलो ठीक है, मिलियन में व्यू जाने से आपको क्रेडिट थोड़ी ना मिल जाता है, क्या क्रेडिट मिलता है, वही मार्केट बन गया आपका, वही पहचान बन गया। और जब आप अच्छा गाना गा के आते हैं, बढ़िया गाना गा के आते हैं, तो कितना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स होता है।
दोस्तों आप बने रहें बीसीटी पर, कोशिश करते रहेंगे कि हम आप लोगों का बढ़िया मार्गदर्शन करते रहें अपने जानकारी के हिसाब से। अगर आप लोग कुछ संतुष्ट होते हैं हमारे इस चैनल से या हमारे वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर किया करें, ताकि जो है आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे और भविष्य में हम कोशिश करते रहें कि आपको कुछ खास लेकर आएँ, दें कुछ बढ़िया करके दें, ताकि जो है भविष्य अच्छा हो आपका भी अपना भी। तो लॉकडाउन का पालन करते रहें, अपने घरों में बंद रहें, दूसरों को भी समझाते रहें और यह वीडियो लोगों के साथ शेयर भी करते रहें। हम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भोजपुरिया समाज।